Let's start with question number 25. Here it says we have sine a plus b equals 1 and the other value is cos a minus b equals root 3 over 2 and we have to find the measurement of angle a and b. हमें find क्या करना है, a की value और b की value. कैसे find करोगे वो देखो. जैसे हमें ना यहाँ पे साइन दिया हुआ है तो हमें कौन सा टेबल चेक करना है कि साइन पे 1 कब आता है, तो साइन ही देखना है और कोई एंगल नहीं देखना और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं यूज़ करोगे. तो साइन पे 1 कब आता है, साइन 90 पे, क्योंकि साइन 0 होता है और फिर वैल्यू बढ़ती जाती है और साइन 90 पे 1 आ जाता है. सो येस आई कैन कंपेयर दीज टू वैल्यूज. साइन से साइन कैंसिल, तो हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90. अब इस साइड पे देखो आपके पास कॉस है, a माइनस बी है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉस की वैल्यू रूट 3/2 कब होती है ये सोचना है आपने. तो इट इज अ कॉस 30. तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं और आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट कैसे करोगे, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो यू हैव टू एलिमिनेट b. b जैसे कैंसिल कर दिया क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था. 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120. a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 120/2 विच इज़ 60 डिग्री. सो यस एंगल ए 60. अब इसी तरह यू विल फाइंड b फ्रॉम इट. तो इक्वेशन 1 से फाइंड आउट करते हैं एंगल b. a प्लस बी इज इक्वल टू 90. a की वैल्यू 60 है, b एज इट इज 90 ऑन द अदर साइड. सो आपका क्या हो जाएगा, 90 - 60 इट इज 30 डिग्री. सो यस एंगल b इज 30 एंड एंगल a इज 60 डिग्री.